हाय गाइस, आई एम अभिषेक तुला और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्वालिफाई द लीड ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द कस्टमर। नाउ नीड इज द क्रक्स ऑफ एनी सेल्स अपॉर्चुनिटी, राइट? क्योंकि अगर नीड ही नहीं होगी तो हम बेचेंगे कैसे, राइट? अब वो नीड जो है हम जनरेट भी कर सकते हैं, नीड ऑलरेडी क्रिएटेड भी हो सकती है, या नीड हो सकता है हमको इस्टेब्लिश करनी पड़े, हो पर सामने वाले की एक्सेप्टेबिलिटी ना हो या उसका ध्यान ना गया हो तो आपको उसको डिस्कवर भी करना पड़ रहा हो, राइट? सो नीड जो है वो एक ऐसा रोल प्ले करती है किसी भी सेल्स के ऊपर कि जितनी स्ट्रांगली आप उस नीड को सामने वाले को क्रिएट करके नज़र दिखा पाएंगे उतनी जल्दी आपकी सेल्स प्रोसेस जो है वो कंक्लूड होगी, उतनी जल्दी जो है वो लीड जो है वो एक कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि उसको समझना कि ये जो नीड है वो कितनी जेन्युइन है। अगर तो कस्टमर आपके पास एक नीड लेके आया है तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एक जेन्युइन नीड है भी या नहीं है, राइट? अक्सर दो तरह के ऐसे कस्टमर्स होते हैं, जो एक जो जेन्युइन नीड लेके आते हैं और एक सिर्फ जब विंडो शॉपिंग करने आते हैं तो देखना चाहते हैं कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है, क्या किस रेट पे चल रहा है, सो दैट दे आर अवेयर दैट जब कभी भी ऐसी ज़रूरत हो तो एटलीस्ट उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हैंडी अवेलेबल हो, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग कि कौन जो आपके पास चाहे लीड आई है या आपने किसी को अप्रोच किया है तो उस नीड की कैटेगरी क्या है, कि वो विंडो शॉपिंग वाली कैटेगरी है या वो जेन्युइन नीड वाली कैटेगरी। अब वो कैसे पता चलेगा? व्हेन यू विल लिसन टू दी प्रॉब्लम, राइट? अब या तो वो उसमें उसके बिजनेस में या पर्सनल में कहीं प्रॉब्लम होगी, तभी जिसको वो जिसके लिए वो सोल्यूशन ढूंढ रहा होगा, कोई ऐसा पेन पॉइंट होगा जिसके लिए वो एक सोल्यूशन ढूंढना होगा, राइट? एंड जिस तरह का पेन पॉइंट होगा उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितना अर्जेंट पेन पॉइंट है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है या कितना इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है उसको, तो इससे आपको अपने सोल्यूशन को डिलीवर करने की अर्जेंसी के बारे में पता लगेगा, आपको टाइमलाइन सेट करने में हेल्प मिलेगी कि इस लीड को मैं कितनी जल्दी क्लोज कर सकता हूँ। सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो नीड है ये किसको क्रिएट कैसे करना है, ये नीड जो है इसको हमको हैंडल कैसे करना है, और ये जो नीड है इसको हमने फुलफिल कैसे करना है। तीन चीज़ें होती हैं, राइट? ए, आइडेंटिफाई कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, राइट? और उसके बाद फुलफिल कैसे करना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को बहुत स्मूथली कर जाते हैं तो आपके लिए क्वालिफाई करना लीड को बहुत भी ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट? अब नीड को क्वालिफाई करने के लिए आपको ये भी देखना है कि हमारे पास ऐसी क्या चीज़ें हैं, हमारे सॉल्यूशंस ऐसे क्या हैं जो कस्टमर की नीड को या पेन पॉइंट को या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को जस्टिफाई और या फुलफिल करने की काबिलियत रखते हैं, राइट? बिकॉज अगर उसकी ऐसी एक नीड है जिसको हम फुलफिल कर ही नहीं सकते तो उस नीड का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। सो इवेंचुअली व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इज कि क्या वो नीड इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी है जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं, एंड बेसिस दैट वी हैव टू क्वालिफाई द लीड, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमको ये भी ध्यान रखना है कि उस नीड में कस्टमर को कितनी अर्जेंसी है, क्या वो सिर्फ ये देख रहा है कि इवेंचुअली हमें कितना काम करना पड़ेगा उसके लिए या उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, या वो ये देख रहा है कि मैं सामने वाले से कितना सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो वो नीड भी एक यू नो सेल्स को आगे ले जाने में हेल्प करती है कि इवेंचुअली कि उससे रिलेटेड कोई चीज़ तो नहीं होने वाली है, कोई ऐसा कैंपेन, कोई ऐसा मार्केटिंग कैंपेन, कोई ऐसा रिक्रूटमेंट ड्राइव या कोई ऐसा सर्विस ड्राइव या यू नो कस्टमर रिटेंशन ड्राइव या एक्वायरिंग न्यू कस्टमर ड्राइव, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कस्टमर जो है आपका कस्टमर जो है अपने कंपनी के लिए रन कर रहा है, अपने कस्टमर्स के लिए रन कर रहा है और आपका सोल्यूशन अगर उसमें हेल्प कर सकता है, राइट? तो आई गेस दैट इज द बिगेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि उसकी नीड जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है या कितनी अर्जेंट है, और जिसकी बेसिस पे आप अपनी टाइमलाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं कि इस लीड को आप कितने टाइम में क्लोज कर पाएंगे, राइट? सो ये था हाउ टू क्वालिफाई अ लीड ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द कस्टमर। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स कीप वॉचिंग दीज वीडियोज, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन दैट यू वॉन्ट टू क्लैरिफाई, प्लीज लीव ऑन द नोट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीच बैक टू यू विद द आंसर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।